वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और अभी बज रहे हैं 10। तो हमने प्लान किया चलो थोड़ा घूम कर आते हैं, आउटिंग कर लेते हैं और क्रिसमस ट्री ये सब भी लेना है तो वो भी साथ में ले लेते हैं। तो फिलहाल अभी 10 बज रहे हैं और थोड़ी बहुत धूप भी हो चुकी है, बट मैंने यहाँ पे एक हुडी डाल रखा है ताकि थोड़ा कोजी कोजी रहे। और जिधर हम जा रहे हैं वो थोड़ा ओपन एरिया है, जस्ट फॉर चेंज इसलिए जा रहे हैं और देखते हैं वहां पे कैसा रहता है। तो वहां जाने से पहले मैं आपको एक अपना डेली रूटीन बताती हूँ, स्किन केयर रूटीन जो मैं करती हूँ। सो दिस इज द ब्रांड कॉल सी कॉस, यू कैन सी दिस। और ये एक सनस्क्रीन है, सन शील्ड कैरेट सीड बेसिल एंड पाइनएप्पल एसपीएफ 50। तो ये बहुत ही अच्छा है, लाइक एक होता है ना क्लॉट टाइप का आ जाएगा या व्हाइट स्पॉट टाइप का दिखने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सो गाइज, ये जो सनस्क्रीन है इसमें कोई भी आपको व्हाइट कास्ट ये सब कुछ भी नहीं आने वाले, लाइक एक मॉइस्चराइजर टाइप का और बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, बहुत ही अच्छे से ये आपके स्किन पे ऑल स्किन टाइप के लिए वर्क करने वाला है। एंड दिस इज रियली गुड। ये 80 ग्राम का है विथ एसपीएफ 50 पीए प्लस प्लस प्लस। एंड अगेन इसमें रिटर्न है कि पैराबिन फ्री है, 100% वीगन है, मिनरल ऑयल फ्री है, सल्फेट फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, नो हार्मफुल केमिकल्स, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस आपको करना क्या है कि बाहर निकलने से पहले इसे 15-20 मिनट्स पहले इसे आपको अप्लाई करना है। एंड यस यू आर गुड टू गो। यहाँ पे कोई भी व्हाइट कास्ट ऐसे कुछ भी नहीं होने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो मैंने इसे यहाँ पे इतना अमाउंट लिया है और आप देख सकते हो कि कितना स्मूथली, लाइक जो मॉइस्चराइजर होते हैं उसकी तरह ये बिल्कुल आराम से अप्लाई हो चुका है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी व्हाइट कास्ट कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो दिस इज रियली अमेजिंग। एक्चुअली बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है। तो मैं यहाँ पे बाहर निकलने से पहले अपने स्किन पे इसे लगाना बिल्कुल नहीं भूलती। एटलीस्ट अगर आप बहुत भी जल्दी में हो तो ट्राई करो कि 10 मिनट पहले तो इसे लगा ही लो। एंड यस यू कैन सी दिस, लाइक बहुत ही अच्छा और कहाँ गया कुछ भी पता नहीं लग रहा है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, ये एक मस्ट ट्राई प्रोडक्ट है एंड दिस इज रियली गुड प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें हैं और जस्ट अ मिनट, ये सारी चीजें हैं एंड इसकी एमआरपी है 599 रुपीज फॉर 80 ग्राम्स। एंड दिस इज रियली गुड प्रोडक्ट। लाइक मुझे तो लगता है कि अगर सनस्क्रीन इस टाइप से मिल रहे हैं जिसमें बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट ऐसा कुछ नहीं होता, आप इसे अप्लाई कर सकते हो, मुझे तो अच्छा लगा। सो एंड गाइज, इनके वेबसाइट पे ऑलरेडी डिस्काउंट्स चलते रहते हैं और मेरा कूपन कोड यूज करने पे आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ मिलने वाला है, दैट इज रियली अमेजिंग। ये था और इसके बाद मैं आपके साथ कंटिन्यू करती हूँ आगे का ब्लॉग। हम यहाँ पे आए हैं थोड़ा बहुत चिल करने के लिए। यहाँ पे एक्चुअली नंदी हिल साइड थोड़ा फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे, और अद्वित को यहाँ पे दिख गया है स्लाइड, तो वो स्लाइड की तरफ भाग रहा है, तब से बोल रहा है मम्मा कम मम्मा कम। उसके बाद में भी हम क्रिसमस ट्री लेने जाएंगे और थोड़ी थोड़ी चीज़ें डेकोरेट करेंगे। वैसे अभी इससे इतना नॉलेज है नहीं, बट वो थोड़ी बहुत बोल रहा था क्रिसमस के बारे में, एक सांता क्लॉज के बारे में। अद्वित, सांता क्लॉज क्या बोलेगा तुम्हें? हो तो यही चीजें हैं और वो अभी भागने के मूड में, तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। एक्चुअली एक फॉरेस्ट वॉक टाइप का है जो फॉरेस्ट के बीच में ऐसा वॉक करने के लिए बनाया है ना, कूल।
तो ये हमें काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ पे थोड़ा बहुत रिलैक्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शांति है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा शांत लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पीछे से अद्वित की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि वो मुझे फॉलो कर रहा है, मम्मा मम्मा अद्वित 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 वेयर आर यू, वो मुझे ढूंढ रहा है एक्चुअली। अद्वित कमिंग, ओके कम 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 कम। एंड यहाँ पे हम आए थे फिश लेने क्योंकि हमारा बहुत टाइम से मन था एक्वेरियम लेने का, तो यहाँ पे आए थे, बहुत अच्छी अच्छी फिश थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर टर्टल भी थे तो हम सारी चीज़ें देख रहे थे, छोटा एक्वेरियम ही लिया क्योंकि वो थोड़ा कॉम्पैक्ट स्पेस है तो वहाँ पे रखना था। सो मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ कि हमने क्या सेलेक्ट किया है। क्रिसमस तो आज है 25th और मैं यहाँ पे दो ब्लॉग्स को कंबाइन कर रही हूँ, तो कल का ब्लॉग और आज का ब्लॉग दोनों मैं मिक्स करके बना रही हूँ। तो एक्चुअली कल मैं थोड़ा बहुत घूमे गई थी और मैंने कुछ चीज़ें परचेस की है, मतलब क्रिसमस डेकोरेशन से रिलेटेड, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि अभी इतना इंटरेस्टेड होगा, बट जब मैंने उससे कुछ बातें की तो वो सेंटा को लेकर थोड़ा एक्साइटेड था, तो मैंने सोचा चलो इस बार कुछ डिफरेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ जो नॉर्मल डेकोरेशन से रिलेटेड होती है और मैं डेकोरेट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि उसका फाइनल लुक कैसा लगता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे प्यारा मुझे लगा ये स्नोमैन, ये बहुत ही ज्यादा मुझे क्यूट लगा ये, तो ये मैंने स्नोमैन भी लिया है साथ में। और उसके बाद मैंने अद्वित के लिए लिया है कुछ गिफ्ट, सीक्रेट गिफ्ट, सीक्रेट सांता गिफ्ट, क्योंकि उसे कार्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो मैंने इस बार उसके लिए दो तीन कार्स लिए हैं, एक जिसमें ये ब्लू कार है छोटा सा वो लिया है, एक ये कार लिया है ऑरेंज कार, और उसके बाद मैंने लिया है एक ये मॉन्स्टर ट्रक। तो ये तीन चीज़ें मैंने ली हैं। तो फिर जल्दी जल्दी डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास टाइम बहुत कम है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसे रखने वाली हूँ क्योंकि अभी वो सो रहा है, तो अभी मैंने उसे बोला है कि लाइक वो सो जाएगा फिर सैंटा आएगा और उसे गिफ्ट्स देकर जाएगा, तो वो सो गया है, वो उससे लग रहा है कि वो सो के उठेगा तो उसे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या पैक किया है उसके लिए। एंड
सो गाइज यहाँ पे मैंने अद्वित के लिए कुछ कुछ गिफ्ट्स लिए हैं, लाइक यहाँ पे ये स्टोरी बुक है, मुझे पता नहीं वो इसे कितना पढ़ने वाला है बट यू ही ले लिया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। और ये इसमें कार है जो उसे ऑलरेडी बहुत पसंद आते हैं, इसमें भी कार है, मॉन्स्टर ट्रक है और इसमें भी कार है, जिस तीनों को मैंने पैक कर दिया है। अब ये तो सॉक्स में नहीं आने वाले बट ये दोनों को मैं, ये जो दो छोटे छोटे क्यूट क्यूट सॉक्स है इसमें डाल दूंगी। और उसके बाद मैंने लिया है उसके लिए चॉकलेट, तो वो भी निकाल के, वो चॉकलेट ज़्यादा खाता नहीं है बट थोड़ा बहुत कभी कभी खा लेते हैं, तो ये दो चॉकलेट मैंने लिए हैं तो ये दो भी मैं निकाल लेती हूँ। और ये उसके उठने से पहले मैं सारे सेटअप करके आपको दिखाती हूँ। तो गाइज ये है मेरा फाइनल सेटअप जो मैंने एक छोटा सा क्यूट सा करने का कोशिश की है मैंने। और यहाँ पे इसके सारे गिफ्ट्स रख दिए हैं, यहाँ पे सॉक्स रख दिए हैं और ये है डेकोरेशन। मैं देखती हूँ, मुझे पता नहीं मैं ये लाइट्स रखूँगी या नहीं, मे बी मैं ये लाइट्स हटा भी सकती हूँ, बट फिलहाल कि मैंने इसे रखा है। और ये है स्नोमैन क्यूट सा।